हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत है आज हमारे चैनल पर। आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आऊँ जॉब्स की। दोस्तों बहुत ही बढ़िया, आपको मैं ऐसी जॉब बताने वाला हूँ जो गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है। हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है और इसमें अच्छी खासी आपकी सैलरी होने वाली है, तो बिल्कुल भी आप देर ना करें, जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई जरूर करें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपकी किस में जॉब होने वाली है। दोस्तों आपकी सरकारी अस्पताल हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट द्वारा जो निकाली गई है वो पर्ची काटने की जॉब निकाली गई है। हाँ दोस्तों, सरकारी अस्पताल में आपको सिर्फ पर्ची काटनी होगी पेशेंट्स की और कुछ नहीं करना होगा। बहुत ही बड़े लेवल पे वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई जरूर करें। जैसे कि आपने सुना ही होगा दोस्तों, जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उसमें जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनकी सिर्फ पर्ची काटनी होती है। हाँ दोस्तों, पर्ची काटनी होती है सरकारी अस्पताल में, उसकी आपकी जॉब होने वाली है। तो बिल्कुल भी आप देर ना करें, जल्दी से अप्लाई जरूर करें इसके लिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए और आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर पाएं। दोस्तों इस वीडियो को तक जरूर देखें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको अप्लाई करने में। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको अप्लाई करने में। दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर पाएंगे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी कितनी आपकी पढ़ाई लिखाई मांगे ये दोस्तों, और आपका इसमें कितनी एज लिमिट है, उम्र है कितनी होनी चाहिए। दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले पढ़ाई लिखाई के बारे में बताऊं। दोस्तों इसमें आपकी ऐसी कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी है, इसमें आपको पर्ची काटने का काम होने वाला है। तो अगर आप अनपढ़ भी हैं तो अभी आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना होगा। बहुत ही आसानी से इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, सिर्फ पर्ची काटनी होगी और सरकारी अस्पताल में आपकी जॉब लगती तो अच्छी खासी आपकी सैलरी भी हो सकती है इसमें, तो बिल्कुल भी आप देर ना करें। चलिए मैं आपको इसमें एज लिमिट है, उम्र है वो बता देता हूँ, कितनी आपकी इसमें उम्र है वो मांगी गई है। दोस्तों इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो 18 साल रहने वाली है। हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जितने भी अगर 18 साल से अगर ऊपर के हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सरकारी अस्पताल में आपको पर्ची काटनी होगी पेशेंट्स की दोस्तों, और कुछ नहीं करना होगा। बहुत ही आसान जॉब है दोस्तों, और इसमें अच्छी खासी आपकी इनकम में सैलरी है वो आपको होने वाली है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से लिए अप्लाई जरूर करें इसके लिए। मैं आपको बताने वाला हूँ उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं इसको अप्लाई करने में आपके लगने वाले हैं। इसमें आपके ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले हैं दोस्तों, इसमें आपका एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, वो आपका आधार कार्ड लगेगा। अगर आपके आधार कार्ड में आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप अप्लाई ना करें तो ये अच्छा रहेगा। दोस्तों आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए आधार कार्ड में। हाँ दोस्तों, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर जाकर आपको फॉर्म का लिंक है वो मिलने वाला है, और आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको अप्लाई करने में। दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर जाकर आपको फॉर्म का लिंक है वो मिलने वाला है। दोस्तों आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आपको सबसे पहले अगर आपको अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करना है तो आपको गूगल पर सर्च करना है हेल्प एंड रोजगार। हाँ दोस्तों, आपको गूगल पर हेल्प एंड रोजगार सर्च करना है, आपको हमारी साइट मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट आपको नंबर 1 पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए।